बूंदे सुनने वाले मेरे प्यारे दोस्तों को अनुज का प्यार भरा नमस्कार। तो आज हम काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं, लेकिन मैं आपके लिए आज कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग लाया हूँ। मुझे पता लगा है कि हमारे कुछ सुनने वाले हॉरर योनर की इन्फॉर्मेशन में बहुत इंटरेस्टेड हैं। तो चलिए आज मैं आपसे उसी के बारे में बात करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज वर्ल्ड रेडियो डे है, इसमें हम रेडियो की दुनिया के कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे, लेकिन ऐसी कुछ बातें जो शायद आपको थोड़ा डरा सकती हैं। डरने की कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप डर जाएं तो उसमें भी कोई बात नहीं। तो आइए चलिए हम शुरुआत करते हैं मेरी पहली इन्फॉर्मेशन के साथ। तो काफ़ी डरते घबराते, क्योंकि मुझे खुद भी भूतों की कहानी से थोड़ा थोड़ा डर लगता है, लेकिन मैं अपने सुनने वालों के लिए कुछ ऐसा लेकर आया हूँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो आइए आज हम बात करते हैं कुछ ऐसे रेडियो स्टेशंस के बारे में जिन्हें हॉन्टेड कहा जाता है। तो मेरा पहला स्टेशन जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, ये है रशिया में। कहा जाता है कि रशियन स्वैम्पलैंड में, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग से थोड़ी दूरी पर है, एक रेक्टेंगुलर आयरन गेट है जिसके पार कुछ जंग लगी सलाखें और कुछ रेडियो टावर हैं। कहा जाता है कि इस बिल्डिंग को सालों से ना किसी तरह की बिजली और ना ही किसी तरह की कोई एक्सेसरीज प्रोवाइड की गई हैं, लेकिन फिर भी इसके अंदर एक रेडियो स्टेशन पिछले 3 दशकों से चला आ रहा है। 7 days a week, 24 hours a day, साल के पूरे 365 दिन ये रेडियो स्टेशन एक्टिव रहता है। सोचने पे मजबूर हो गए कैसे? जी हाँ, यही एक रहस्य है जो आज तक कोई नहीं समझ पाया। माना जाता है कि इस रेडियो स्टेशन पे सारा दिन एक ही ट्यून चलती रहती है। कुछ देर के लिए अगर आप इसे ध्यान से सुने तो आपको एक दूसरी आवाज भी सुनाई देगी, जैसे कि कोई भूतिया शिप या कोई भूतिया हॉर्न वहां बज रहा है। और अगर आप सुनते रहेंगे तो आप जानेंगे कि वो भूतिया आवाज कुछ देर के बाद बढ़ने लगती है। सुनने वालों ने ये तक कहा है कि इस स्टेशन पर हफ्ते में 1 से 2 बार एक औरत और एक आदमी की आवाज़ सुनाई देती है जो रशियन में बात करते हैं, और उनके कई शब्दों को पहचाना भी क्या है। रशियन भाषा में डिंगी और फार्मिंग स्पेशलिस्ट, इस तरह की कई शब्दों को इस स्टेशन पे पहचाना गया है। इस स्टेशन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि बिना किसी टावर के, बिना किसी रेंज के, ये दुनिया में कहीं भी सुना जा सकता है। वाह! बस आपको इसके लिए इसकी रेडियो फ्रीक्वेंसी 4625 kHz पे लगाना है, और अगर आप भी इस रेडियो स्टेशन का अनुभव करना चाहते हैं तो अपने रिस्क पे ज़रूर कीजिए। कहा जाता है कि आज इस स्टेशन के ऑनलाइन 10,000 से ज़्यादा यूज़र्स हैं, और उन्होंने इसे कई अलग अलग नामों से बुलाया है, जैसे कि द पिप, स्क्वीकी व्हील, और इस स्टेशन को सुनने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसा कैसे हो सकता है जिस रेडियो स्टेशन में कोई एक्सेसरीज नहीं, कोई मैनेजमेंट नहीं, यहाँ तक कि बिजली भी नहीं, वो पिछले 30 सालों से 7 days a week, 365 days a year, 24 hours a day चलता जा रहा है। मैं तो इस स्टेशन को एक बार ज़रूर सुन चुका हूँ और दोबारा सुनने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेरे जितने भी सुनने वाले हैं जो हॉरर और हॉन्टेड चीज़ों का शौक रखते हैं, ज़रूर इसे ट्राई करें। अब आइए हम अपने अगले स्टेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो
तो अगला स्टेशन जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लोगों ने रिपोर्ट किया है। इसका नाम है द बैकवर्ड्स म्यूजिक स्टेशन। इसे सुनने वालों ने कई इंटरनेशनल रेडियो स्टेशंस पे इसकी फ्रीक्वेंसी को चेक किया गया है, कैच भी किया गया है। कहा जाता है कि इस रेडियो स्टेशन में बैकवर्ड म्यूजिक या कोई वेल की आवाज़ नहीं आती, लेकिन कुछ देर सुनने के बाद आपको कुछ पुराने रिकॉर्डेड प्लेट सुनाई देंगे, जिस तरह से किसी US नेवल बेस साउदर्न कोस्ट में जब वहाँ के सैनिकों की आपस में बात हुआ करती थी, वो बातें इस पे सुनी जा सकती हैं जो कि उल्टी बोली गई हैं। जी हाँ, वहाँ के सुनने वालों ने यहाँ तक भी कहा है कि इस रेडियो स्टेशन का असल में कोई पता नहीं है, लेकिन रेडियो एक्सपर्ट्स ने इसे वर्जीनिया बीच, जैक्सनविल और फ्लोरिडा में बताया है, लेकिन वहाँ ढूंढने के बाद ऐसा कोई रेडियो स्टेशन नहीं मिला। तो ये फ्रीक्वेंसी कहाँ से आ रही है, कौन डाल रहा है, कैसे चल रही है, इसका कोई पता नहीं है। आप इसे इंटरनेट पे द बैकवर्ड्स म्यूजिक स्टेशन के नाम से भी ढूंढ सकते हैं। तो इन स्टेशंस के बारे में सुनने के बाद आपके मन में भी इन स्टेशंस को सुनने की जिज्ञासा तो जरूर हुई होगी। मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आप रोमांच को पसंद करते हैं, लाइफ में एडवेंचर चाहते हैं, तो इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई करें। मैंने ये स्टेशन ज़रूर सुने हैं और सही में इनका सुनने का एक अपना ही फील है। आगे सुनते रहिए बूंदें, आपके दोस्त अनुज के साथ। बाय बाय।